स्टूडेंट्स वेलकम टू द अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ रियल नंबर्स का पार्ट सेकंड। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसके बारे में, तो अब इसमें हम इंट्रोडक्शन में ही आगे जाएंगे कि इन अर्लियर क्लासेस we have read that suppose we have a non-zero integer, we want to divide a non-zero integer a with another integer b to get quotient c। ये तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। अब this integer is a divisor, this integer is a dividend, and this is a quotient। इतना आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, राइट? तो इसके बाद हमारी जो इक्वेशन बनती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड। अभी आप रिमाइंडर को भूल जाइए, रिमाइंडर नहीं देखना है यहां पे, सिर्फ ये चीज याद रखनी कि ये उस कंडीशन में है कि जब रिमाइंडर जीरो बचे, यानी कि पूरी डिवीजन हो जाए, पूरा कट जाए। तो इसके हिसाब से हमारा क्या बना, डिविडेंड क्या है, बी, और डिवाइजर क्या है, ए, इंटीजर है नॉन जीरो, एंड कोशेंट क्या है, सी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, बी इक्वल टू ए सी। ये हम आज तक पढ़ते आए हैं, जहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स। इतना आज तक आपने पढ़ा है, राइट? इसको नोट करिए, आगे मूव करते हैं। अब इसी जो ये b इक्वल टू ए सी आया, तो इसमें जब हमारी पूरी डिविजिबिलिटी हो गई है तो हम इसको लिख सकते हैं a इज डिवाइडेड बाय b। इसको हम अलग अलग तरह से इस तरह लिख सकते हैं, दिस कैन बी रेड एज A divides B, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B is divisible by A, और A is a factor of B। A is a factor of B, or B is a multiple of A, or A is a divisor of B।
यहां से ये चीजें ओरिजिनेट हुई कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी या ए डिवाइड्स बी, बी इज डिविजिबल बाय ए, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए और ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 3 divides 93, रिजल्ट विल बी, दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू एज बिकॉज 93 equal to 3 multiplied by 31. Example 1, example 2. If I write 6 divides 28, this is not true. इसको हम नॉट ट्रू लिखने तो इसको ऐसे लिख कर इसको काट सकते हैं, 6 नॉट डिवाइड बाय 28। ये अब ट्रू क्यों नहीं हुआ, बिकॉज देयर देयर इज no integer c such that 28 equal to 6 multiplied c or 28 equal to 6c। तो यहाँ पे जो c है 6c, ये वाला इंटीजर मिसिंग है, इस करके ये यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा, राइट।